दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों जब हम अपने मोबाइल फोन में फोटो वीडियो ऑडियो वगैरह स्टोर करके रखते हैं तो धीरे धीरे जब कुछ महीने बीतते हैं तो हमारे मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक इन सभी चीज़ों के डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा एक ही फोटो के कई सारे डुप्लीकेट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। एक ही गाने के कई सारे डुप्लीकेट फाइल्स आ जाते हैं, एक ही वीडियो के कई सारे डुप्लीकेट बन जाते हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज भरना स्टार्ट हो जाता है। हमारे मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर स्लो हो जाता है जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करने लगता है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, वायरस वगैरह आ जाते हैं। जब हमारे मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा कचरा हो जाता है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से सारी की सारी डुप्लीकेट चीज़ें कैसे डिलीट करोगे। आपका ओरिजिनल कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आप सिर्फ डुप्लीकेट फोटो, अगर एक ही फोटो के कई सारे डुप्लीकेट हैं तो उनको एक एक डिलीट करने जाओगे तो अगर आपके 1000 फोटो हैं उनके अगर मान लो 2000 डुप्लीकेट हैं तो यार कहाँ कहाँ से आप खोजोगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये क्लिक में सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज खाली हो जाएगा, मोबाइल खाली हो जाएगा, जिससे आपका मोबाइल फ़ोन नए जैसा चलने लगेगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे तो कर दो इस वीडियो को लाइक और ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नेम है डुप्लीकेट फाइल फाइंडर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो स्कैन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके मोबाइल फोन को पूरा स्कैन कर देगा। आपके मोबाइल फोन में जितने भी डुप्लीकेट फोटो रहेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए एक ही फोटो के कई सारे हैं, यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए स्क्रीन पे कई सारे एक ही फोटो के कई सारे डुप्लीकेट हैं। तो ये सारे के सारे हमारे मोबाइल फोन के स्टोरेज को फिल कर देते हैं। ऐसे ही वीडियो में आप देख लीजिए एक ही वीडियो के कई सारे जो है डुप्लीकेट वीडियो है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ऑडियो के भी कई सारे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कई सारे डुप्लीकेट ऑडियो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। और अदर्स में यहाँ पे आप देख लीजिए कई सारे ऐसे फाइल्स हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते लेकिन यहाँ पे आ गए हैं। तो इन सभी को आपको जो है डिलीट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे डुप्लीकेट है, आपका ओरिजिनल कुछ भी डिलीट नहीं होगा। आप चाहे तो मैनुअली सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से सारे के सारे ओल्ड फाइल को जो है डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ओल्ड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जितने भी ओल्ड फाइल रहेंगे आपका ओरिजिनल छूट के सारे जो है डिलीट हो जाएंगे। आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए 216 जो है इमेजेस जो डुप्लीकेट थी वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं और मेरे मोबाइल फोन का स्टोरेज देख लीजिए 345 MB फ्री हो गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है जल्दी भरेगा ही नहीं। तो ऐसे ही इसको भी आपको डिलीट कर देना है, यहाँ पे ओल्डेस्ट फाइल सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए स्टोरेज आपका जो है फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप सारे के सारे फाइल्स को जो है डिलीट कर सकते हैं जो डुप्लीकेट हैं। आप चाहें तो मैनुअली सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो इस वीडियो को ठोक दो लाइक और इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर आपके लिए डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।